प्यारे दोस्तों, ओनली आज हरी नेटवर्क को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जो आला हजरत को काफिर कहे उसको आप क्या बोलेंगे? आप आलिम है? बताओ ना, बात करो। मैं कह रहा हूँ आप आलिम है, इनसे पूछिए आलिम है। हेलो, नहीं आलिम नहीं है। देवबंद से ताल्लुक रखते हैं? हवाला तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि जो अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को अपने वीडियो में बैठ करके काफिर कह रहे हैं, उन पे आप क्या हुक्म लगाएंगे वो बताइए। हवाला देने का फायदा भी तो होना कुछ। जी तो बात करना नहीं चाहते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि हवाला दीजिए कि कहाँ किसी ने काफिर का हवाला दे रखा। मैं वही तो कह रहा हूँ। पहली चीज तो ये है, आपके जितने मुनाजिर घूम रहे हैं, उमैर कासमी हो, अली असगर हो, आरिफ उल हक्कानी हो, ये सारे के सारे अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी को काफिर कह रहे हैं, लेकिन जो आपके बड़े आलिम हैं वो मोमिन और मुसलमान कह रहे हैं, तो उनके फतवे से या तो ये काफिर होंगे या तो वो काफिर होंगे। आप कह रहे हैं कि तबलीगी जमात वाले नहीं कहते हैं, तो आप मुझे ये बताइए जो कहते हैं उन पर क्या हुक्म लगाएंगे आप? एक बात बताइए, आप आलिम नहीं है लेकिन हुजूर की हदीस तो आपको पता है ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान को काफिर कहता है और अगर वो काफिर नहीं है तो कुफर लौटेगा, ये हदीस तो मालूम है आपको। अगर सामने वाले को काफिर कहा जा रहा है और सामने वाला काफिर नहीं है तो कुफर लौटेगा वापस, और कुफर अगर लौटेगा तो वो काफिर होगा। तो अभी इस हदीस की रोशनी में आपके पास ये हदीस आ गई, इस हदीस की रोशनी में आप क्या बोलेंगे? नहीं हजरत, हम आलिम नहीं ना है, आलिम है तो आलिम से बात बात करिएगा। हम लोग जाहिल आदमी है, हम लोग को क्या मालूम है। अच्छा, अगर आपके पास कोई हवाला है, किसी ने कहा है, किसी आलिम ने कहा है, मैं बता उनका अगर है तो उनका इनको वीडियो भेजिए और देखा जाए, उनका ये भेजिए। हम तो आलिम नहीं ना है, हम तो है जाहिल आदमी हम लोग है भाई, आदमी है। सुनिए, हाँ हाँ सुनाइए। आप जो तबलीगी जमात में गए हैं, जी जी, तो उनकी नमाज देख करके, उनका तकवा देख करके उनके पीछे गए हैं ना आप? जी जी बिल्कुल। क्या आपने उनकी हकीकत को समझा है कि ये तबलीगी जमात निकली कहाँ से, क्यों निकली, किस वजह से निकली? कौन सा? ये तबलीगी जमात जो निकली क्यों निकली, जी। क्या वजह से निकली? मालूम नहीं। मालूम नहीं, यही चीज तो आप लोगों को सिखाई नहीं जाती है। आप लोगों को दो किताबों में उलझा दिया जाता है। आप भी बताइए। हाँ सुनिए जी जी, आप लोगों को दो किताबों में उलझा दिया जाता है, एक मुंतखब हदीस और एक फजाइल अमल। जी जी, देखिए देवबंदी आलिम ने वो बात नबी अलैहिस्सलाम के लिए मानने से मना कर दिया जो बात उन्होंने अपने अकाबिर के लिए मान ली है। जैसे आप किसी देवबंदी से पूछेंगे कि भाई ये बताइए कि हुजूर को आप हाजिर व नाजिर समझते हैं, वो आपको मना कर देगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन हम लोग जो हुजूर को हाजिर व नाजिर समझते हैं, अल्लाह की अता से, जैसे आप मना कर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, जैसे हमारा ये अकीदा है कि हुजूर अपनी कब्र में जिंदा है, बिल्कुल, और अल्लाह की अता से जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो आपका ये अकीदा है कि अल्लाह के रसूल जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं? नहीं है। तो अगर आप जा सकते हैं, काफी नहीं जा सकते हैं। अच्छा सुनिए, आपका ये अकीदा है कि अल्लाह के रसूल नहीं जा सकते, अल्लाह ने उनको इख्तियार नहीं दिया है ना, तो फिर कोई भी नहीं जा सकता?
जी जी कोई भी नहीं जा सकता। अच्छा, ना? हजरत एक और चीज बताइए, जैसे हसन हुसैन सुनिए तो वो भी इंजन है। अरे सुनिए तो वो भी इंजन है। सुनिए तो जी 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 तो आपका ये अकीदा हुजूर नहीं जा सकते तो फिर कोई भी नहीं जा सकता। जी 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 लेकिन जब हम देवबंद के दारुल उलूम देवबंद की किताबों को पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे हिकायत औलिया अशरफ अली थानवी की किताब है जी जी जी, उसके अंदर एक इबारत लिखता है वो कहता है कि दारुल उलूम देवबंद में झगड़ा हो गया जी जी और दो मुफ्तियों के बीच में इतना तगड़ा झगड़ा हो गया कि दो गुट होने को तैयार हो गए जी जी जी, लेकिन कब्र से कासिम अली नानोतवी साहब आए उठ के जी जी और दोनों में सुलह कराई और वापस अपनी कब्र में जाके सो गए। कौन सा हदीस में है? हदीस में नहीं, आपके घर की किताब अशरफ अली थानवी की हिकायत औलिया। कौन सा है किताब? हिकायत औलिया पहली किताब। दूसरी किताब सुनिए, दूसरी किताब अशरफ सवाने में लिखता है कि खानदान में नाना जान का एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ, बादे वफाद मिसल जिंदा के अपनी कब्र से उठ के आए और मिठाई लेके आए और अपनी बीवी से कहा कि हम रोज यूं ही आएंगे और मिठाई लेके आएंगे, किसी से बताना मत। जी तो सुबह जब बीवी उठी तो उनको ये लगा कि लोग पूछेंगे कि मिठाई कहाँ से लाए, तो उन्होंने हकीकत बता दिया कि मेरे पति जो है वो अपनी कब्र से आए थे मिठाई लेकर के। जी उसके बाद फिर नाना जान दोबारा कभी तशरीफ ना लाए। जी तो ये नाना जान भी कब्र से उठ के आ रहे हैं, मिठाई लेके आ रहे हैं, कासिम नानोतवी साहब भी कब्र से उठ करके सुलह कराने मदरसे में आ रहे हैं और हुजूर के लिए अकीदा है कि हुजूर नहीं जा सकते, यही अकीदा बना के रखे हो आप लोग। जी जी है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो बात दारुल उलूम देवबंद ने अपने आलिमों के लिए मान लिया है, हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए मानने से मना कर दिया है। तो कैसे बताया तो अभी आपको? हाँ तो ठीक है, तो आलिम जो आ रहा है कब्र से उठ कर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं आएंगे? इसका कोई हदीस है? हाँ बहुत रिवायत है। अभी मैं आपको हदीस से भी साबित करता हूँ। ये बताइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम और मर्तबा है हर नबी हर फरिश्ते से बड़ा है या नहीं? बिल्कुल बड़ा है। अल्लाह ने सबसे ज्यादा इख्तियार और सबसे ज्यादा इल्म सबसे ज्यादा जो करम है वो नबी अलैहिस्सलाम पे किया है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है ना। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि शैतान कहाँ कहाँ जा सकता है? शैतान तो हर जगह है। और शैतान को ये भी मालूम है कि कौन आदमी क्या करने वाला है और क्या करने जा रहा है, तो शैतान इसलिए उसको बनाया गया है। तो शैतान का इल्म हुजूर से ज्यादा कैसे हो गया? तो शैतान हर वक्त बताएगा आपको। सुनिए ना गलत जगह रास्ते पर ले जाएगा। सुनिए ना भाई तो शैतान को अल्लाह ने ये इख्तियार कैसे दे दिया, अल्लाह के रसूल से बड़ा मर्तबा कैसे दे दिया कि शैतान जहाँ चाहे वहाँ जा रहा है, लोगों को बहका रहा है अपनी मर्जी से? जी जी तो शैतान बताएंगे तो आलिम बताएंगे। नहीं तो आपने शैतान से भी हुजूर का मर्तबा घटा दिया? नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? नहीं, हम आलिम नहीं है। अरे आलिम नहीं है तो दिमाग तो है आपके पास? दिमाग है तो उसके बारे में हम तो जानकारी नहीं बोल सकते। मतलब आपका ये अकीदा है कि शैतान हर किसी को बहकाएगा, शैतान को ये भी मालूम है कि कौन आदमी कहाँ जा रहा है। क्यामत के दिन तक आपको मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अल्लाह के रसूल का मर्तबा जो है उससे बढ़ा के शैतान को दे दिया जाए? नहीं इसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, इसके बारे में हम नहीं बोलते। अच्छा चलिए ठीक है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। नहीं इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो आपने ये अकीदा कहाँ से बनाया कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी कब्र से नहीं जा सकते कहीं भी? नहीं हमको कोई बताया नहीं है तो कैसे हमको मालूम? तो आपने कैसे मना कर दिया अभी कि मेरा भी वही अकीदा है? क्या चीज? अभी तो आपने बोला मेरा भी वही मानना है। हाँ वली तो आप होते हैं जो तो जिंदे हैं। अरे भाई तो हमने तो पढ़ा है, सुना है। देखिए आप लोगों को जो सिखाया जाता है ना,
कि सिर्फ नमाज पढ़ो, सिर्फ रोजा रखो, बाकी सारी बातों को छोड़ दो, ये क्यों बताया गया मालूम है आपको? जी दारुल उलूम देवबंद के चार आलिमों ने जो हुजूर की शान में गुस्ताखी लिखी अपनी किताबों के अंदर, क्या लिखी है? सबसे पहली बात तो अशरफ अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान में लिखा है कि जैसा इल्म हुजूर को है ऐसा इल्म जानवर पागल मजनू को भी अल्लाह ने दिया है। तो आपका ये हिफ्जुल ईमान सफा नंबर 15। हिफ्जुल ईमान, हिफ्जुल ईमान। अच्छा आप दूसरी चीज ये बताइए। ईमान में क्या कितना नंबर में है? 15। अगर किसी आलिम के पास आप जाओगे ना दारुल उलूम देवबंद के, जाने की क्या जरूरत है? किताब तो हर जगह अवेलेबल है, कहीं से किताब उठा के आदमी पढ़ लेगा। सुनिए दूसरी चीज, जाने की क्या जरूरत है? हाँ दूसरी चीज ये है कि जब इन लोगों के ऊपर कुफर का फतवा लगा, जी जब इनके ऊपर मन शक्का फी कुफरी वजाबी फकत कफर का फतवा लगा कि इनके कुफर को जानने के बाद भी अगर कोई इनको मुसलमान कहेगा वो भी काफिर हो जाएगा, तो इन लोगों ने, इलियास कांधलवी ने एक तरकीब अपनाई। तरकीब ये अपनाई कि भाई ऐसे तो हमारा काम खराब हो जाएगा, ऐसे तो ये बात पूरी फैल चुकी है, किताबें छपी हुई है, तो एक काम करेंगे जिनको इन किताबों के बारे में मालूम होगा उनको छोड़ देंगे, और जिनको इन किताबों के बारे में मालूम नहीं होगा उसको बहला फुसला के मस्जिद में लेके आएंगे, उनको नमाज का तरीका, रोजे का तरीका, सूरह फातिहा ये सब सही कराने के आड़ में अपनी जमात को बढ़ाएंगे, क्योंकि आवाम तो हमसे जुड़ नहीं रही है, आवाम तो हमको जूते मार रही है। तो यहाँ से ये जमात का सिलसिला चला, और जमात का सिलसिला इलियास कांधलवी ने चलाया। तो मुझे ये बताइए कि आपका ये अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है? नहीं। तो आप किताब का नाम लिखिए फतावा रशीदिया। कौन सा? फतावा रशीदिया। फतावा रशीदिया, फतावा रशीदिया। सफा नंबर उसका है 42, और उसमें रशीद अहमद गंगोई लिखता है कि तहते कुदरत किस्बे बारी ताला है, अल्लाह की कुदरत में झूठ बोलना शामिल है। दूसरा फतवा इसके ऊपर लगा, ठीक है, रशीद अहमद गंगोई के ऊपर, इस किताब के ऊपर कुफर का फतवा लगा उसके ऊपर। अच्छा हजरत, ये मान लीजिए कि आप जो हमसे ये चीज बता रहे हैं, आप तो आलिम हैं, ये आलिम से ना मतलब ये करना चाहिए भाई, आपके हर आलिम से बात करके रिकॉर्डिंग मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जा करके सुनिए। अच्छा, आपके बड़े बड़े आलिमों से हम बात करते हैं, बड़े बड़े आलिमों से, लेकिन उनके पास जवाब नहीं है, गाली गलौज करते हैं फिर वो। नहीं नहीं नहीं, गाली गलौज नहीं करते। अरे भाई हम कह रहे हैं गाली गलौज करते हैं, आपको रिकॉर्डिंग भेजे? रिकॉर्डिंग भेजे आपको? वीडियो कोई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, ऑडियो वीडियो सब है। सुनिए, हाँ हाँ ऑडियो वीडियो है तो थोड़ा सा भेजिए, कौन सा आलिम है थोड़ा जल्दी देखेंगे। हाँ आप एक काम करिए, आपको जो मैं ये दो किताब के नाम बताया हूँ ना, आप अपने मस्जिद के आलिम के पास जाइए और उसको बोलिए इस बात का हमें जवाब दीजिए कि अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है, तो वो आपको कहेगा अरे कहाँ तुम इन चक्करों में पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, इन सबको छोड़ दो। आपको जवाब ही नहीं देगा, वो आपको बहलाएगा फुसलाएगा, लेकिन जब आप बार बार हुज्जत करोगे। सुनिए ना, मरने के बाद सबसे पहले तो नमाज का ही नहीं हिसाब होगा, देखिए अलावा और किस चीज का हिसाब होगा क्या? सुनिए जी, अल्लाह के रसूल ने, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आखिरी जमाने में ऐसे लोग आएंगे जो इतनी नमाजें पढ़ेंगे तुम्हारी नमाजें भी कमतर होंगी, इतने रोजे रखेंगे तुम्हारे रोजे भी कमतर होंगे, लेकिन तीर ऐसे इस्लाम से ऐसे खारिज होंगे जैसे तीर शिकार से। ये बताइए कादियानी नमाज पढ़ता है? नहीं, कादियानी को जानते हैं? कौन है कादियानी? नहीं 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 जानते हैं। कादियानी वो है जिसने आखिरी नबी होने का दावा किया था, जी जी, जिसको अहमद कादियान कहा जाता है, जी जी।
और कादियानी ने ये दावा कब किया था मालूम है आपको? नहीं। कासिम नानोतवी ने एक किताब लिखी थी तहजीरुन्नास, जिसके ऊपर ताहिर गयावी और मुफ्ती मुतीर रहमान साहब का मुनाजरा हुआ था बिहार कटिहार में, जिसमें ताहिर गयावी के दो शागिर्द देवबंदियत को छोड़ के तोबा करके बरेलवी बने थे। उसमें लिखता है कि बिल फर्ज बादे जमाना नबी, अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो खातिमुन नबी में कोई फर्क ना आएगा, और हुजूर को आखिरी नबी मानना अवाम का ख्याल है। इस किताब को पढ़ के अहमद कादियान ने नबुवत का दावा किया था कि तुम्हारे ही आलिम ने लिखा है कि हुजूर की आखिरी नबी होने में कोई फर्क नहीं आएगा, तो मैं आखिरी नबी हूँ। कादियानी बोला। हाँ, अब इसके ऊपर मुनाजरा हुआ है कटिहार, अगर यूट्यूब चलाते हो तो यूट्यूब पे लिखना बिहार कटिहार मुनाजरा मुफ्ती मुतीउर रहमान और ताहिर गयावी, ठीक है, आपको निकल जाएगा। उस मुनाजरे में ये हुआ था कि ताहिर गयावी की बहुत जबरदस्त शिकस्त हुई थी, उसके दो शागिर्द जो पक्के देवबंदी थे उन्होंने तौबा की, देवबंदियत को लात मारी और मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब के हाथ में बैत की। तो उसके बाद ये लोग मुनाजरे में बैठते नहीं है। इन लोगों के मुनाजरे के अंदर क्या होता है कि जितने देवबंदी जो भोले भाले आप जैसे लोग होते हैं ना, तो वो लोग देवबंदियत को छोड़ने लगते हैं, तो ये लोग इसलिए मुनाजरा करते नहीं, मुनाजरे में बैठते नहीं है। अब यूट्यूब पे दूसरा मुनाजरा निकालिएगा, इटारसी मुनाजरा, इटारसी मुनाजरा लिखिएगा ना वहां से, तो एक 6 घंटे का मुनाजरा आएगा आपके पास। उसमें आपके दारुल उलूम देवबंद के नजर मोहम्मद, मुफ्ती नजर मोहम्मद सहारनपुर, हमारी तरफ से मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें एक घर में 6 भाई रहते थे, तो 3 भाई 2 भाई चले गए तबलीगी जमात में और बाकी 4 कट्टर बरेलवी, तो आपस में डेली लड़ाई होती थी कि भाई कौन सही है कौन गलत है। तो इसके लिए उनके वालिद ने मुनाजरा रखा अपने घर के अंदर, दोनों को बुलाया। 6 दिन तक वो मुनाजरा चला, और उसमें फिर क्या हुआ, नजर मोहम्मद जो भागा उसके बाद वो सारे भाइयों ने तौबा की और देवबंदियत को छोड़ा। तो ऐसे ही मुनाजरे से ये लोग भागते हैं, मुनाजरा करते नहीं, क्योंकि किताबों में लिखी है वो सारी बातें। तो इसलिए मेरे भाई, आप भोले में हो, गलती में हो, आप ये दारुल उलूम देवबंद तबलीगी जमात के पीछे ना जाएं, क्योंकि ये लोगों ने अपने ऐब को छुपाने के लिए अवाम को गुमराह किया है, ये दुनिया को, दुनिया को, जी पूरे दुनिया को, पूरे दुनिया को, जिनको जैसे आप जैसे भाई है, जिनको पता ही नहीं है, कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग बहुत कम, पढ़े लिखे कौन है, आप पढ़े लिखे हैं? नहीं नहीं है ना, तो फिर आप कैसे चले गए इनके बीच में? हमने मुताला किया किताब को, पढ़ा हमने। कौन सी किताब पढ़ी आप? हमने तबलीग किया, देखा। कौन सी किताब पढ़ी आपने? बहुत सारी किताब हमारे पास है। कौन सी है अब किताब, किताब आपका नाम बताइए। बिल्कुल, एक दो का बात है, जो भी किताब, जो भी किताब हमको मिला, हमको सही रास्ता दिखाया, हमने बोला कि यही रास्ता सही है। आपको कैसे पता लगा वो रास्ता सही है? अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, उसने समझने की सलाहियत दिया है, दिमाग दिया। चलिए ये बताइए, ये बताइए कि मुंतखब हदीस में एक बात लिखी है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में। बिल्कुल, तो आपका ये अकीदा है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ये बात हक है ना? जी। तो ये बताइए, कादियानी जन्नत में जाएगा? कादियानी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो कादियानी, जन्नत में जाएगा? हम मालूम नहीं क्या पढ़ते हैं, हमको तो मालूम नहीं है, हम कहते हैं, हम बता रहे हैं ना आपको, कोई आलिम नहीं रहे थे हम, आपका चलिए ठीक, चलिए ठीक, इसीलिए तो पूरी बात नहीं समझाई जाती है आपको। चलिए ठीक, ये बताइए, शिया जानते हैं? शिया? हाँ, शिया जानते हैं, शिया भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, शिया जन्नत में जाएगा? कहाँ वो पढ़ता है? नहीं पढ़ता है? नहीं नहीं। क्या पढ़ता है वो? इन लोग का दूसरा कलमा है। कौन सा कलमा है? मालूम नहीं कौन सा कलमा है, हमने सुना ना कभी उन लोग का बात हुई है, ना हम उनको नजदीक में बैठा है, ना कोई उनका किताब मुताला किया। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आपने कहा जाएगा, लेकिन हुजूर तो मना कर रहे हैं।
क्या कि हर कलमा पढ़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, मना कर रहा हूँ बिल्कुल। अब ये बताइए जो हमारे किताब में लिखा हुआ है कि जो भी कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा। पहले जाएगा अपने काम के वजह से पहले जहन्नम में अपना सजा मिलेगा, उसके बाद जो क़यामत में हिसाब किताब होगा भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर तो मना कर रहे हैं कि हर कलमा पढ़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, अब मालूम नहीं, नहीं मालूम ना, यही तो मैंने बोला आपको, आप तो कह रहे हैं मेरे पास किताबें आ गई, मेरे पास हक आ गया, तो यही हक पहुंचा आपको। हमने ये पढ़ा है कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, काम किया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर काम किया है, यकीन माना है, उसको ईमान लाया है, पढ़ने के लिए तो काफी नहीं पढ़ सकता है, हर आदमी पढ़ सकता है। चलिए ये बताइए, सर्टिफिकेट लेने से नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी ने पढ़ लिया, ठीक है, और उसका ये अकीदा हो कि हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, वो जन्नत में जाएगा? जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा तो उसका मुताला करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मिट्टी में है कि जिंदे हैं। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया और उसका ये ईमान है, उसका ये अकीदा है कि हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए मान अल्लाह, तो वो जन्नत में जाएगा? इसके बारे में नहीं मालूम है, नहीं मालूम। देखिए यही चूरन आप लोगों को चटाया जाता है, आप लोगों को आधा इल्म दिया जाता है और आप लोगों को बरगला करके इसमें घुसेड़ दिया जाता है, बस इसी में बजे रहो। मैंने कहने का मतलब है कि जो इलिम देगा उसी को माना जाएगा, जो इलिम नहीं देगा जैसे आप बता रहे हैं हमको, तो आप ही निकल कर अपना इलिम दिखाइए। चलिए ठीक है, कौन ना समझा जाएगा भाई कि ये कौन गलत है कौन सही है, जब हम आपको पढ़ कर आप लोग रखिएगा, बताइएगा नहीं किसी को, सही बात गलत बात नहीं बताइएगा तो लोग कैसे गलत और सही जानेंगे। ये तो पूरे दुनिया में लोग जाते हैं अपना बताते हैं, जो इलिम है उनको बताते हैं। भाईजान पूरे दुनिया में कादियानी भी जा रहा है, पूरे दुनिया में शिया भी जा रहा है, जो जहाँ जा रहा है अपना तबलीग कर रहा है, पूरे दुनिया में रावजी भी जा रहा है। जी जी जी, पता रावजी क्या करता है, रावजी साहबा इकराम को मानता ही नहीं है, ठीक है, हजरत अली को पहला खलीफा मानता है लेकिन कलमा भी पढ़ता है। आप मानते हैं हजरत अली को पहला खलीफा? ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है लेकिन साहबा को नहीं मानता है, तो वो जन्नत में जाएगा? भाई साहब जब आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है तो आप कहते हैं हम नहीं जानते, हम नहीं समझना चाहते हैं, तो फिर आप काहे के लिए बात कर रहे हैं मुझसे? हम ठीक है, हम कुरान हदीस का मुताला नहीं लेंगे, हम कुछ भी जवाब दे देंगे। सुनिए ना, हम नहीं जानते हैं तो नहीं कहेंगे। आप मुझे बताइए कि सहाबी को कोई काफिर कहे तो वो जन्नत में जाएगा? मालूम नहीं। वाह क्या बात है, कितनी उम्र हो गई आपकी? हम कैसे कह सकते हैं, कैसे हम किसी माले ले सकते हैं कि कौन जहन्नम में जाएगा? आपकी उम्र कितनी हो गई भाई साहब? 45 साल की उम्र से क्या कर रहे हैं आप, जब दीन ही नहीं समझ पाए तो आप? हाँ तो हमको समझाइए, तो जब समझा रहा हूँ तो समझने को राजी नहीं हैं। हम कैसे कहने वाले हैं, अब हमसे पूछ रहे हैं आपकी कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा, हम कौन है जहाँ जहन्नम में जाने वाले हैं? भाई साहब आप लोगों की अकल पे ना ये लोग पर्दा डाल देते हैं, समझना ही नहीं। आपने बताइए, हकीकत बताइए, तब ना हम समझेंगे। हमसे सवाल कर रहे हैं तो हम कौन सी बात से देख रहा हूँ, आपको कितना इल्म है, मैं कम से कम टटोलू तो सही पहले। हाँ, सही बात है, हम इल्म वाले नहीं है, कोई आलिम भी नहीं है, हम चलता फिरता इन्हीं के जैसे आदमी है, हम भी है। जी जी जी, अब सुनिए आराम से, तसल्ली से। हाँ हाँ सुनाइए। ये बताइए कायनात में नबी अलैहिस्सलाम के बाद और तमाम अंबिया के बाद सबसे अफजल जो है वो सहाबा इकराम की जमात है? जी जी जी, ठीक है ना? जी जी जी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे बाद हजरत अबू बकर की इब्तिदा करना। जी जी जी, ठीक है जी। तो हुजूर ने ये फरमाया है कि अगर दो मुसलमान आपस में लड़े या दो मुसलमान आपस में बात कर रहे हो, अगर उनमें से एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान ने काफिर कह दिया और वो काफिर ना हुआ तो कुफर वापस पलट जाएगा, बोलने वाला काफिर हो जाएगा। समझे बात को?
तो ये बताइए कि हुजूर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को अगर कोई काफिर कहेगा तो कुफर लौटेगा, सामने वाला काफिर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, समझे? अब उसका कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, वो सब उसके मुंह पे मार दिया जाएगा जब तक वो तौबा नहीं करेगा, समझ गए? हाँ, तो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी को जो गालियां देता है, जो तबर्रा करता है, जो उनको सहाबी नहीं मानता वो काफिर है, और उसका नाम है शिया रावली, समझे? तो अब शिया रावली भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा है, ठीक है? रावजी पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और शिया पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, ठीक है? तो मुझे बताइए कि ये रावजी जो कलमा पढ़ रहा है, ये तो सहाबा को गालियां दे रहा है, सहाबा को काफिर कह रहा है, तो ये मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो आपकी मुंतखब हदीस में जो लिखा है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा, तो ये बात गलत हो गई फिर, समझे? हाँ, तो यही चीज तो आपको नहीं समझाई जाती है, सुनिए सुनिए, काम को करना पड़ेगा। ए भाई सुनिए सुनिए, काम नहीं करना पड़ेगा, काम के बीच में काम को मत घुसेड़ो अभी। आप लोगों को यही आधी बात बताई जाती है कि काफिर को भी काफिर मत बोलो, है ना? तो ये बताइए मुझे कि जब आप कुरान पढ़ेंगे कुल या अय्युहल काफिरून, इसका माना क्या हुआ? क्या माना हुआ बताइए, हम तो वही ना बताएंगे। कुल, कुल का मतलब कह दो इन काफिरों से, ला आबुदु यानी जिसकी तुम इबादत करते हो हम उसकी इबादत नहीं करते, ठीक है ना? उसके बाद आयत फिर घूमती है, काफिरों से फिर कहो कि जो जिसकी तुम इबादत करते हो हम उसकी इबादत नहीं करते। तो कुरान जो कह रहा है कि अगर कोई गैर मुस्लिम आपके पास आए और कहे भाई ये मूर्ति पूजा करो, तो उसके सामने आप ये आयत पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? कुरान तो कह रहा है उसको काफिर कहो, और आप कह रहे हैं काफिर को भी काफिर मत कहो, कुरान के खिलाफ काम कर रहे हो। अगर कोई गैर मुस्लिम आपके पास आएगा कहेगा भाई आज नवरात्रि है चलो राम की पूजा करो हमारे साथ, तो आप ये आयत पढ़ेंगे कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद लकुम दीनकुम वलिय दीन। भाई जिसकी तुम इबादत करते हो हम उसकी इबादत नहीं कर सकते, और जिसकी हम इबादत करते हैं तुम नहीं कर सकते, तो तुम अपने दीन पर हम अपने दीन पर। तो फिर मुझे बताइए, आपको जो ये चूरन चटाया जाता है कि काफिर को भी काफिर मत बोलो, तो ये तो कुरान के खिलाफ बात हो गई। अरे भाई आलिम से पूछेंगे, आलिम से पूछेंगे, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, आलिम आपको नहीं बताएगा, वो आपको कहेगा अरे कहाँ तुम हिफ्जुल ईमान की इबारत लेकर के आ गए, तुम नमाज पढ़ो रोजा रखो, ठीक है? वो आपको टरकाएगा। दूसरी चीज, अब ये दो बातें मैंने आपकी मुंतखब हदीस से गलत साबित कर दी, आप मुझे ये बताइए तीसरी बात, कि अगर आप अपने आलिम से जाके ये पूछना, तबलीगी जमात के आलिम से ये पूछना जाके, जैसा मैं बोल रहा हूँ, हजरत ये बताइए कि हुजूर को इल्मे गैब है? जी। तो वो आपको कहेगा कि नहीं हुजूर को इल्मे गैब नहीं है, उतना ही है जितना अल्लाह ने अता किया। जी। वो आपको कहेगा उतना ही इल्म है जितना अल्लाह ने अता किया है, बस उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है ना? और जैसा मैं कह रहा हूँ बाखुदा वही आपको जवाब आपको आलिम से मिलेगा। तो उनसे ये कहना कि हजरत ये जो आपने अकीदा बनाया कि जैसा इल्म, मतलब जितना इल्म अल्लाह ने दिया उससे ज्यादा नहीं है, या आपको कैसे पता लगा कि अल्लाह ने कितना इल्म दिया है?
तो वो आपको दो चार हदीसें दिखाएगा, ठीक है, बताएगा कि हुजूर के चारपाई के नीचे कुत्ता आ गया, हुजूर को नहीं पता, अम्मी आयशा का हार चोरी हो गया, उनको नहीं पता, ये सारी बातें आपको बताएगा। या हो सकता है कुरान के अंदर आपको वो आयत पेश करे कि जिसमें पांच चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं, कि कयामत कब आएगी, बारिश कब होगी, कौन क्या कमाएगा, क्या खाएगा, कौन कहाँ मरेगा और माँ के पेट में क्या है, ये पांच चीजों का इल्म किसी को नहीं है, ठीक है ना। तो उनसे आप ये पूछना कि हजरत ये बताइए कि पांच चीजों का इल्म, इनमें से पांच चीजों का जो इल्म अल्लाह के रसूल को नहीं, तो फिर किसी को भी नहीं होना चाहिए, है ना जी। तो बोलेगा कि हाँ किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप उनके घर की किताब उनको दिखाएंगे तो वो आपको टालम टोली करेगा। देखिए ये यहाँ पे साफ लिखा है कुरान के अंदर कि ये पांच चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है, लेकिन तमाम मुहद्दिसीन का ये इजमा है कि हुजूर को है, कि माँ के पेट में क्या है, बारिश कब होगी, कौन कहाँ मरेगा, कौन क्या कमाएगा, क्या खाएगा और कयामत कब आएगी, ठीक है। हाँ उनको इल्म है, हाँ मालूम है, लेकिन आपके आलिम साहब कहेंगे कि नहीं मालूम है। तो आलिम साहब को ये कहिएगा, ये बताइए, ये बुखारी की हदीस है, ये जंगे बदर होने वाला है, अभी जंगे बदर होने वाला है, तो अल्लाह के रसूल के हाथ में छड़ी होती है और अल्लाह के रसूल निशान बनाते हैं, ठीक है, गोल निशान बनाते हैं और कहते हैं ऐ सहाबियों अबू जहल यहाँ मर के गिरेगा, ठीक है, उकबा यहाँ मर के गिरेगा, शैबा यहाँ मर के गिरेगा, हुजूर निशानदेही कर देते हैं सबकी। और जब जंग खत्म होती है तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि मैं उस जगह पर गया और जहाँ मेरे नबी ने निशान लगाया खुदा की कसम वो काफिर वहीं मरा हुआ पाया। तो अल्लाह के रसूल को मालूम है ना कि कौन कहाँ मरेगा। अब दूसरी चीज, बारिश कब होगी, ये भी मेरे नबी को मालूम है। एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में आए, जुमे का खुतबा दे रहे हैं आप, कि या रसूलल्लाह बारिश नहीं हो रही है, जानवर हलाक हो रहे हैं, जानवर हलाक हो रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए बारिश हो जाए। अल्लाह के रसूल ने दस्ते मुबारक उठाया, अब बारिश होना शुरू हो गया, ठीक है, एक हफ्ता बारिश होती रही। अब उसके बाद फिर साहबी रसूल तशरीफ लाए, यार रसूल बारिश बहुत हो गई, जानवर अब पानी से मर रहे हैं, तो दुआ कर दीजिए कि बारिश खत्म हो जाए, हाँ लेकिन इतनी दुआ करिए कि मदीने में बारिश ना हो, बाहर होती रहे। अल्लाह के रसूल ने दस्ते मुबारक उठाया, मदीने में बारिश रुक गई, लेकिन जो काफिला शाम से आ रहा है उससे पूछा जा रहा है कि वहाँ बारिश हो रही है, तो हाँ बारिश हो रही है, जो जो काफिला दक्षिण की तरफ से आ रहा है पूरा सबसे पूछा जा रहा है, तो अल्लाह के रसूल को ये मालूम है कि वहाँ बारिश हो रही है और कितनी हो रही है ये भी मालूम है। अब कौन क्या कमाएगा और क्या खाएगा, ठीक है, तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी आते हैं, कहते यार रसूलल्लाह मेरा बाग जो है वो फल नहीं दे रहा है, ठीक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे अपने बाग में लेके चलो, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथ गए, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से खजूर के दरख्त लगाए और ये कहा कि सबके फल साल में एक बार आते हैं, है ना, हेलो, सबके दरख्त में साल में एक बार खजूर आते हैं, लेकिन तेरे दरख्त में साल में दो बार खजूर आएंगे, समझे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि सबके दरख्त में साल में एक बार खजूर आते हैं, लेकिन तेरे दरख्त में साल में दो बार खजूर आएंगे,
तो अल्लाह के रसूल को ये मालूम था ये कितना कमाएगा और कितना खाएगा, समझे नहीं समझे? और रही कयामत की बात, तो कयामत की सारी निशानियां मेरे नबी ने उम्मत को बता दी, सहाबा को बता दी। थोड़ा सा एक बात बताइए कि हमजा रजी अल्लाह अन्हु जो थे वो शहीद हो गए जंगे बदर में, तो वो जानबूझकर वहाँ भेज दिए। तो मुझे ये बताइए कि जो जंग हुई थी उनकी बेटी जैनब को शहीद किया गया, जानबूझकर भेज दिए। सुनिए ना मेरी बात, मदीना आ रही थी रास्ते में, मेरी बात सुनिए ना, आप सुनाइए। आप ये बताइए जो जंगे बदर हुई थी वो अल्लाह की अता से हुई थी या रसूल के कहने पर हुई थी? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, जंगे बदर जो हुई थी अल्लाह की अता से हुई थी या रसूल की अता से हुई थी? ये मालूम नहीं। अल्लाह, कोई काम अल्लाह के बिना होता है? जी, अल्लाह के हुक्म से होता है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया ना इनसे जंग करो, बोला था। तो अगर कोई गैर मुस्लिम आपसे ये कह दे, सवाल करे गैर मुस्लिम कि भाई तुम्हारे रब के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो तुम्हारे रब को तो मालूम था ना कि हजरत हमजा शहीद होने वाले हैं, तो तुम्हारे रब ने रोका क्यों नहीं? क्या जवाब देंगे आप? गैर की बात बता रहे हैं, क्या जवाब? इसका मतलब तो अल्लाह को भी इल्म नहीं था। इसका मतलब तो आप ये लगा लीजिए कि वो गैर मुस्लिम ये कहे कि तुम तो ये कहते हो कि अल्लाह को हर चीज का पता है, क्या होने वाला है वो भी पता है ना? हेलो, बात नहीं करेंगे वो बात कहाँ से करेंगे? वो इतने बड़े क्या मैं बोलूँ ना अहल हैं कि जो उसूल हुजूर के लिए बना रहे वो उसूल खुद ब खुद अल्लाह के लिए बन रहा है। क्या समझे? ऐसे ही लोगों को ये लोग गुमराह करते हैं। अभी आपके सामने इसने ये कहा हुजूर की शान में गुस्ताखी करके ये भागा आदमी कि हुजूर को कैसे नहीं पता था कि जैनब शहीद होने वाले, वो रोका क्यों नहीं? वो बात करेंगे नहीं ना, वो खुद ही फंसते चले जा रहे हैं अपनी कॉल में। अभी तो कह रहे हमको नहीं मालूम, और फिर ये वही देवबंदी वाला अकीदा मेरे सामने पेश कर रहे हैं कि हजरत हमजा शहीद हो गया, अल्लाह के रसूल ने क्यों नहीं रोका? हेलो, तो हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को हजूर ने थोड़ी भेजा था? नहीं सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, आगे निकल गए। नहीं नहीं बात सुनिए, अगर कोई गैर मुस्लिम आपसे ये सवाल करे कि भाई तुम कहते हो अल्लाह के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और अल्लाह को सब मालूम है, ठीक है, तो तुम्हारे अल्लाह ने हजरत हमजा को शहीद क्यों करवाया, बचाया क्यों नहीं? क्या जवाब दोगे? है कोई जवाब? तो इल्जाम तो अल्लाह के ऊपर जाता है ना। तो ये लोग जाहिल आदमी है ना, ये लोग हुजूर की तरफ इल्जाम नहीं लगाते, उल्टा अल्लाह की तरफ इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन इन लोग को यही नहीं मालूम है कि कहाँ पे क्या बात बोलनी चाहिए, इसीलिए तो देवबंदी को बोलते हैं ना, अकल बंद, दिल बंद, कान बंद, सब बंद है, इसीलिए देवबंदी होता है ना, देव का सब बंद हो जाता है। समझे नहीं समझे? जी। तो इसमें अल्लाह और उसके रसूल की मसलियत है, हाँ, क्योंकि हर एक इंसान को दुनिया से मर के जाना है और सबसे अच्छी जो मौत है वो शहादत है। समझे नहीं समझे? तो शहीद जिंदा है, जब ये कुरान का ऐलान है शहीद जिंदा है तो उसको मुर्दा गुमान भी मत करो, तो आप मुर्दा साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? समझे नहीं समझे? अब ये बताइए कि हुजूर की हदीस है कि जब आप जंगे ओहद के पहाड़ पे चढ़े तो ये पहाड़ हिलने लग गया, तो अल्लाह के रसूल ने कहा ए पहाड़ रुक जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और एक शहीद खड़ा है, और तीन थे, एक हुजूर थे, एक हजरत अबू बकर थे और एक हजरत उमर। हजरत उमर शहीद हुए तो अल्लाह के रसूल को कैसे पता लगा वो शहीद होंगे? समझे नहीं समझे? तभी ना अल्लाह के रसूल ने पहाड़ से कहा ए होद रुक जा, मत घब मत हिल, रुक जा, तेरे ऊपर एक सिद्दीक, एक नबी, एक सिद्दीक और एक शहीद खड़ा है।
तो ये लोग जाहिल लोग है ना, ये लोगों को सिर्फ उतना ही सिखाया जाता है कि इनके दिमाग बंद हो जाए। तो ये लोग दिमाग बंद देवबंदी है, समझे कि नहीं समझे? जी जी, ये लोग भी कहते हैं कि जब हजूर को जब मालूम था तो पत्थर साहबा को एम को भेजे, शहीद हो गए क्यों भेजे? तो वही पूछो ना इनसे, अल्लाह को मालूम था ना, अल्लाह ने क्यों भेज दिया? जी अल्लाह को तो मालूम था, तो अल्लाह ने क्यों, अल्लाह ने क्यों भेज दिया? तो यही तो पूछो, इल्जाम तो उल्टा इनके ऊपर लगेगा। समझे नहीं समझे? जी जी, तो यही हाल है इन लोगों का, जिंदगी भर थूक के आटा गूंथ के खाएंगे ये लोग। चलिए ठीक है, तो इल्म नहीं है, तो मालूम नहीं है, तो मालूम नहीं है। और सवाल भी कर रहे हैं देवबंदियों वाला, और जहाँ फंसते कहते मुझे नहीं मालूम। ये जहाँ सुनिए, ये जिस मस्जिद में जाते हैं ना नमाज पढ़ने, सुनिए ना, ये जिस मस्जिद में जाते हैं ना नमाज पढ़ने, हेलो, ये जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं वहाँ के इमाम का नंबर दीजिएगा मुझे, फिर वो रिकॉर्डिंग करके हम आपको देंगे, इनको सुना दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक।